आज मैं दीपक सिंह, आपका व्यावसायिक शिक्षक। और सरल पर्पस में हम लोग थे, और 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस में अब पढ़ने कोशिश करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा सरल पर्पस में, जो विद्युत सेल क्या है और विद्युत वाहक बल, जिसे हम ई से दिखाते हैं, ई इक्वल टू W/Q, इस तरह से। तो यदि मतलब किया गया कार्य एकांक आवेश पर जितना कार्य किया गया हो, तो उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा आपसे कि आपसे पूछता है किरचॉफ का नियम क्या है, तो बड़ा साधारण सा इसका उत्तर है। आप गांव में पंप सेट वगैरह चलाते हैं, तो आप देखते हो कि पानी एक जगह गिरता है, आगे जाके आप एक छोटा सा गड्ढा बना देते हैं, वहाँ से कई नालियाँ निकाल देते हैं, तो हर जगह पानी जाता है। तो किरचॉफ नियम का ये कहना है कि आने ये धारा में इसी बात को कहता है, क्या कहता है कि जितनी धारा इस बिंदु पर, इस मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ओ बिंदु है, तो इस पे जितनी भी जैसे I1, I2, I3, I4, I4, I5, मतलब आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग, मतलब वही आपका पंप सेट और पानी समझिए, तो आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, किस तरह से किसी विद्युत परपथ में किसी संधि जंक्शन मतलब पॉइंट ओ पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग एलजेब्रा आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9 में, तो ये सिग्मा लगा के आई इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है, और इसको इस तरह से भी और बढ़ा के लिख सकते हैं, I1 + I2, और चूँकि ये आ रही हैं तो इसको ऋण में दिखाएंगे, जो आने वाली और जाने वाली धन में दिखाएंगे, और दोनों बराबर 0 कर देंगे, या फिर ये I1 + I2 = I3 + I5, ये तो साफ साफ दिख रहा है, I1 I2 जा रही हैं और 3 निकल रही हैं, तो यही चीज़ आप दिखा सकते हैं। दूसरे नियम में इन्होंने कहा, दूसरा नियम इन्होंने इस तरह से बनाया कि एक बैटरी लगाई, एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी लगाई, एक रेजिस्टेंस लगाया, इस तरह से एक बंद जो है पास, इसको कहेंगे पास, आप इन्होंने बनाया। और इसके अंदर इन्होंने ये कह दिया कि जो है सिग्मा, सिग्मा वही बीजगणितीय योग IR बराबर सिग्मा ई, ई मतलब विद्युत वाहक बल, और IR तो आप जानते हैं कूलाम का नियम, V = IR। तो इसको कहा इस तरह से कि किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास, क्लोज मेस बोलेंगे इसको, ये जो मेस आप, ये है आपका, ये मेस है 1 और 2 के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में, इसमें भी देखिए धारा ऐसे बह रही है, इसमें भी धारा ऐसे बह रही है, बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब σIR = σI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किरचॉफ का नियम आपसे जरूर पूछेगा, पहला, दूसरा, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोधों का आप संयोजन क्यों करते, कैसे करते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम इस तरह से दिखाते भी हैं, R इसका सिंबल है। और घरों में आप देखे होंगे झालर बत्ती में, तो श्रेणी में सब सीरीज में बल्ब जले लगे रहते हैं, अगर एक बल्ब भी बुझता है तो सारे बल्ब बुझ जाते हैं। तो सीधी बात है, देखिए यहाँ ऐसे इस तरह से लगा रहेगा, अगर ये बंद हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। LED बल्ब भी आपका इसी तरह से, आप जो घर में जला रहे हैं लगा हुआ, तो सीरीज में लगे हुए हों, अगर एक ख़राब होगा तो सारे ख़राब हो जाएंगे। अगर उसको आप ठीक कर लेंगे तो थोड़ा बहुत रोशनी कम होगी, मगर वो LED बल्ब आपको फिर से तैयार हो जाएगा, तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं। तो एक सेल भी इसमें लगा दिया, और ये श्रेणी क्रम में, तो दो तरह से जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, एक श्रेणी में और एक समानांतर में। तो श्रेणी क्रम में आप देखिए, अगर आप जोड़ते हैं तो ये झालर बत्ती जो आप लगाते हैं गांव दिवाली में, तो वही है। तो श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 तीन ठू लगाया, और एक सेल लगाया, और एक कुंजी लगा दिया, के माने कुंजी, कुंजी दबाया से करंट बहने लगी, करंट गई, तो देख रहे हैं जब करंट सारे प्रतिरोधों में एक जैसी होगी, मतलब इसमें भी वही करंट है, इसमें भी वही करंट है, इसमें भी वही करंट है, निकल के भी वही करंट आएगी, धन से निकल के ऋण की तरफ आएगी। तो इन्होंने नियम दिया कि जो इन तीनों R की जगह एक R हमको लगाना है, तो सूत्र से भी आप देख सकते हैं कि V = IR1 +
सबका वी वन वी टू वी थ्री सबका वोल्टेज अलग अलग होगा, प्रतिरोध का मान भाई इसका 10 हो सकता है, इसका 20, इसका 30, तो वी वन वी टू अलग हो जाएगा वी इक्वल टू आई आर से। तो वी इक्वल टू आई को कॉमन लेके वी अपन आई करके आर करके, तो इन्होंने सूत्र दे दिया सीधे सीधे आई इक्वल, मैं इसको आपको पेज दे दूंगा आप समझ जाएंगे इसको, आर इक्वल टू इन्होंने सूत्र से मतलब इन्होंने का सूत्र यही हुआ आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर, अगर इन तीनों का योग के बराबर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो उसे हम ए और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए योग के बराबर होता है सारे प्रतिरोधों के। और इसका विशेषताएं होती हैं कि प्रत्येक धारा का मान समान होता है परिपथ में प्रवाहित जो होता है, और जो है परिपथ का परिणामी विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर के योग के बराबर होता है। इसी तरह से समानांतर को देख लीजिए, तो समानांतर में भी आपको कुछ नहीं है, बस वही आई को ही देखना है। आई आपका देखिए आर वन आर टू आर थ्री, ये आपके घर में बल्ब जैसे लगे हुए हैं वो समानांतर क्रम में है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ 100 वाट का, यहाँ 40 वाट का, यहाँ 30 वाट का, तो सबको अलग अलग धारा चाहिए होती है। तो आई वन आई टू आई थ्री, तो इस तरह से यहाँ सेल वही कुंजी, इधर से धारा गई सब में बट गई, और फिर एक धारा वही जो यहाँ गई थी वही यहाँ से निकली। सिंपल परिपथ आर वन आर टू आर थ्री, इसके लिए इन्होंने सूत्र दे दिया कि अब वो आर तुल्य प्रतिरोध ए और बीच के भी आर होगा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये सूत्र हो गया आपका, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपसे पूछता भी सवाल ही पूछ देता है कि दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उनका मान ये है तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, वन अपॉन आर प्लस इक्वल टू वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर, और भिन्न आप जानते ही हैं, आर का मान निकाल के रख दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, 7 ज़्यादा मिनट हो गए, अगला हम फिर लेंगे, इसी में धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जितना चलेंगे उतना सॉलिड चलेंगे। मैनी मैनी थैंक्स अगेन। और थोड़ा सा देखिए, मैं काढ़ा भी पी लेता हूँ, तो काढ़ा भी पीजिए, और टाइमली अभी 7 ही बज रहे हैं, उसके बाद कॉलेज स्कूल भी अपना एडमिशन फॉर्म, बोर्ड के बच्चे तो अपने कम से कम फीस वगैरह जमा कर लें 5 अगस्त तक, और 11 बच्चों के फॉर्म भी मिल रहे हैं, और फिर जैसा आदेश आएगा वैसा उनका एडमिशन भी होगा। आप लोग निश्चिंत रहें, शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। मैनी मैनी थैंक्स। दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज।